Hey guys and welcome back to the channel OtaxTV. Exam khatam, matlab regular videos bhi aana chalu. Aur is video mein main short mein cover karunga all the chapters of Jujutsu Kaisen that were left. That is chapter 159, 160 and 161. Ye chapters kaafi tight the aur isse main ek aur bar impress ho gaya author ki writing se. Aur aap log bhi ho jayenge jab main aapko explain karunga. So let's start. जो पिछले चैप्टर में हमें हिगुरुमा नाम का कैरेक्टर दिखाया था, ये चैप्टर 159 में हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई। वो एक लॉयर है एंड ही इज ट्राइंग टू सेव अ गाय नेम्ड केइता ओए, जिसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज था, पर हिगुरुमा मानता था कि केइता इज नॉट अ मर्डरर। इससे हमें पता लगता है कि वो काफी डेडिकेटेड था अपने काम को लेकर। उसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए हिगुरुमा को मिलता है दो ट्रायल। पहले ट्रायल में तो वो नॉन गिल्टी उसको करार दे देते हैं, लेकिन दूसरे ट्रायल में उसको उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। हिगुरुमा बोलता है कि वो किसी को बचाना नहीं चाहता है, बट ही वॉन्ट्स द ट्रुथ टू कम आउट एंड ही बिलीव्स इट विल। जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है, सब लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। हिगुरुमा खड़ा होता है, ज़ोर से अपना गैवल को ज़ोर से नीचे मारता है और उन सब से रुकने को बोलता है, एज दे आर गोइंग टू हैव अ री ट्रायल। और हमें एक शिकिगामी उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक बैलेंस स्केल को पकड़ा हुआ था। एंड देन दी चैप्टर एंड्स। बेसिकली हिगुरुमा इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन जस्टिस एंड ही ओनली वांट्स टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट। अभी हमें ये पता नहीं चला है व्हाट इज हिज कर्स टेक्निक, पर उसकी शिकिगामी का फर्स्ट लुक हमें मिल चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 160। इस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा कि गेगे अकामी इज जीनियस। हमें दिखाते हैं केंजाकू, जो कि सासाकी को मिलने आया होता है। सासाकी को आपने देखा हो जेजेके के पहले एपिसोड में। जी हाँ, एक लॉन्ग लॉस्ट फॉरगॉटन कैरेक्टर को गेगे जी ने फिर से रेलेवेंट बना दिया है। सासाकी यूजी की सीनियर थी जब यूजी सेंडाई में रहता था, और वो ओकल्ट क्लब की मेंबर भी थी। केंजाकू सासाकी को बोलता है अबाउट द बैरियर्स एंड द कलिंग गेम। वो उसको बोलता है कि यू कैन लीव द बैरियर ओनली वंस एंड शी कैन लीव इट व्हेन शी इज अवेक। फिर हमें पता चलता है कि केंजाकू उसको एक अलग जगह पर मिला होता है, जो कि था एक ड्रीम और रियलिटी के बीच की जगह, इन अ कर्स। वो उसे बाहर ले जाता है और उसे थैंक यू बोलता है फॉर गेटिंग अलोंग विद हिज सन। केंजाकू ने एक बार यूजी की मॉम की बॉडी को भी पोजेस किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि केंजाकू ये सब कब से प्लान कर रहा था। सासाकी बैरियर के बाहर निकलती है और वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलती है, और वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है द बैरियर, जो कि बहुत ही बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे या फिर सिलेंडर्स थे जो पूरे कवर कर रहे थे। वो बैरियर के बाहर मिलती है इगुची, जो कि यूजी का सीनियर था और वो भी ओकल्ट क्लब का मेम्बर था। वो भी बोलता है कि उसने भी केंजाकू को देखा था और वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ यूजी एंड गैंग एंजल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्लान बनाते हैं कि हाकारी एंड पांडा जाएंगे टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में, और मेगुमी और इतादोरी जाएंगे टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में, और किरारा बाहर से सब कुछ ध्यान रखेगा। यूजी को लगता है कि मेगुमी को उसके साथ नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑफ सकुना, बट मेगुमी डिनाइज इट बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ प्लान। मेगुमी, पांडा, यूजी और हाकारी फिर बैरियर में एंटर करते हैं एंड देन दिस चैप्टर ऑल्सो एंड्स। ऑथर अलग ही हाई लेवल पे बैठा हुआ है भाई, कि क्योंकि भाई लोग जब अपने एक रेलेवेंट कैरेक्टर को, जैसे लोग ली को भूल गए थे, रॉक ली इन नारुतो, उसको भाई इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दे के शुरुआत में चुनिन एग्जाम्स के द्वारा, और उसके बाद उसको भूल ही गए। पूरी नारुतो सीरीज में उसका कहीं पर भी फिर एकदम परफेक्टली उसको दिखाया ही नहीं गया। और यहाँ पर हमारे अलग ही राइटर गेगे अकामी है, जो कि बिल्कुल ही अलग एक माइनर कैरेक्टर, एन इररिलेवेंट कैरेक्टर को वापस से रेलेवेंट बना दिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 161। मेगुमी और यूजी एंटर करने वाले होते हैं, जहां मेगुमी बोलता है टू बी बेवेयर ऑफ द इनकार्नेटेड सॉर्सरर्स, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और वो बाकी सारी चीज़ें भी समझा रहा होता है कि किस किस चीज़ से यूजी को संभल के रहना पड़ेगा। और फिर वो एंटर करते हैं, बट इनसाइड द बैरियर दे गेट सेपरेटेड। यूजी आसमान में उड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो हमें पता चलता है जब कोई प्लेयर बैरियर में जाता है तो वो उसके अंदर 9 में से कोई एक जगह पर पहुंच जाता है, और वहां कुछ लोग होते हैं जो कि एक अंदर आने वाले प्लेयर को टारगेट करते हैं, इन दिस केस यूजी। तो वहां दो लोग यूजी पर अटैक करते हैं एंड वी गेट टू सी यूजी एंड दैट इंडिविजुअल फाइटिंग।
वहाँ एक प्लेयर होता है जो कि यूजी को जानता है और वो ऐसा सोचता है कि मैंने इसको तो कहीं देखा है। सीन चेंज होता है जहाँ मैगुमी एक लेडी को मारता है, उससे पूछता है डू यू नो अबाउट हिगुरुमा, वो बोलती है शी विल टेल हिम अबाउट इट अगर वो उसका नाइट बन के उसको बचाएगा। मैगुमी बोलता है अगर वो झूठ बोल रही होगी तो वो उसको मार डालेगा। फिर हमें उस लेडी का नाम बताते हैं विच इज रेमी एंड दिस चैप्टर्स ऑल्सो एंड। और यहाँ पे मैगुमी को सीधे सीधे बता दिया है मैगुमी कैन किल एनीबॉडी टू सेव सुमिकी, उसकी अभी टॉप प्रायोरिटी अपनी सिस्टर को बचाना है एंड टू किल एवरीवन दैट गेट्स इन द वे। कलिंग गेम हैज फाइनली स्टार्टेड। कब से इस आर्क का जोरों शोरों से चालू होने का इंतजार था भाई, अब तो अगले चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आएगा और मैं ये और जो मजा है सारे लोगों को देना चाहता हूं, व्यक्ति को देना। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो टू ऑल द जुजुत्सु काइसेन मांगा फैंस। अगर कलिंग गेम पूरी तरह समझना है तो वीडियो की आ रही होगी लिंक या फिर वो आता है मतलब उस पर क्लिक करो और पूरी तरह से समझ जाओ, पूरा देखना मस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स योर बॉय देवांश साइनिंग ऑफ।